现在越来越多的消息出来了，这越来越打败了以后，哎，刚刚讲了怎么看，这是一个示意图。我本来以为说那个狼牙棒是把一个木头，它是铁，它是用一个铁条，等于说是我的这个铁条上面在焊这个。但实际来说，中国是摆出外交的这个战狼，那对这个。ये वीडियो जब CIA देखेगा, Mossad देखेगा, और ये दुनिया की जो फ्रेंच देखेंगे, जर्मन देखेंगे, कहेंगे ये है PLA. आज तो वियतनाम में गुस्सा आ रहा, वियतनाम कहता हम ही देख लेंगे इनको. फिलीपींस कहता अरे ये PLA हम ही देख लेंगे. दोबारा अफगान फौजियों ने, तालिबान ने पाकिस्तान पे हमला किया और जिससे एक जो शहरी है वो हलाक हुआ और 26-27 के जो लोग हैं वो जख्मी हुए. खबरें ये बता रही हैं कि अफगान फोर्सेस की तरफ से गोलाबारी की गई है, बड़ी तादाद में गोलाबारी की गई है. वीडियो पुरानी हो या नहीं हो, बात ये है कि जो एक खसलत होती है ना वो दिखी उस वीडियो में. खसलत ये है कि जो चाइनीज जो सोल्जर्स हैं वो कैसे डर डर के पीछे हटते हैं. और वहां पर एक शहरी जहां भाग हो चुका है एक पाकिस्तानी, और तकरीबन 12-15 के बीच लोग जख्मी हो चुके हैं. और आपको पता है ना कि पाकिस्तान दोस्तों जो था वो बड़ा बल्ले बल्ले अफगानियों के साथ हम खड़े हैं. अमेरिका के अंदर दोस्तों वाशिंगटन में पाकिस्तान अपनी एम्बेसी बेच रहा है. और चाइना में ना वो पैशन नहीं, क्योंकि वो एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, वो डेमोक्रेसी नहीं है. अफगानिस्तान और पाकिस्तान जिस किस्म के हालात से गुजर रहे हैं, तो इनको अपनी तरक्की का सोचना चाहिए, इनको अपनी इकोनॉमी का सोचना चाहिए. लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है कि मजीद तबाही की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं. अच्छा, मगर जो पैशन है ना, जो एक जिगरा है, वो एक इंडियन का जिगरा चाइनीज नहीं कम्पीट कर सकता जिगरे में. आप देखें कि पाक अफगान बॉर्डर जो है ना, इसकी सिचुएशन बिल्कुल इंडिया की तरह. आज मैं पढ़ रहा था कि वो बात कर रहे थे, जनाब इस वक्त की पोजीशन ये है कि जो पाकिस्तान के जो साइड के ऊपर जो हॉस्पिटल है वहाँ पे इमरजेंसी लगी हुई है. तो यार अंडरस्टैंड, जबकि हमारे जो जवान घबरू जवान है वो कुछ नहीं सोचते, दे आर सो पैशनेट अबाउट द कंट्री कि वो मतलब एक बंदा 10 से लड़ सकता है. दोस्तों भारत के सेना द्वारा चाइनीज आर्मी को कुटाई की गई वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हुई है, और पूरी दुनिया के लोग इस वीडियो को देख करके हंस रहे हैं चाइनीज आर्मी के ऊपर, किस तरह से एक प्रोफेशनल आर्मी कुत्तों की तरह पिटाई खा रही है. और दोस्तों अब ये वीडियो ताइवान में भी काफी ज्यादा वायरल हो रही है, और उनके टीवी शो में भी चाइनीज आर्मी की बहादुरी देख करके खुश हो रहे हैं. और दोस्तों दूसरी खबर ये है कि अब फिर एक बार पाकिस्तान और अफगानिस्तान तालिबान के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो चुकी है, और इस अटैक में पाकिस्तान के 10 लोग मारे गए हैं और कई घायल भी हैं. जिस चीज को देखते हुए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के चमन बॉर्डर पर इमरजेंसी लगा दी गई है. पाकिस्तान मीडिया के कई एनालिस्ट ये भी कह रहे हैं कि ये सिचुएशन बिल्कुल वॉर जैसी सिचुएशन बन चुकी है. तो चलिए दोस्तों आगे इस वीडियो को देखते हैं. और दूसरी बात, ये वीडियो जो सामने आ रहे हैं, जो आप जो मेंशन किया आपने सोशल मीडिया पे, जो पुरानी वीडियोस हैं, वीडियो पुरानी हो या नहीं हो, बात ये है कि जो एक खसलत होती है ना वो दिखी उस वीडियो में. खसलत ये है कि जो चाइनीज जो सोल्जर्स हैं वो कैसे डर डर के पीछे हटते हैं. आई विल टेल यू देयर इज अ रीजन फॉर दैट. आई टेल यू देयर इज अ रीजन फॉर दैट. देखिए चाइना में वन चाइल्ड पॉलिसी है, और चाइना में ना वो पैशन नहीं, क्योंकि वो एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, वो डेमोक्रेसी नहीं है. तो जो एक पैशन जो एक इंडियन सोल्जर में होगा, चाहे हम तादाद में उनसे थोड़े कम होंगे, हालांकि हम वी आर द सेकंड बेस्ट आर्मी आफ्टर देम, वो सिर्फ इसलिए कि हम तादाद में उनसे थोड़े कम होंगे. मगर जो पैशन है ना, जो एक जिगरा है, वो एक इंडियन का जिगरा चाइनीज नहीं कम्पीट कर सकता जिगरे में. बिकॉज वन चाइल्ड पॉलिसी से आप समझ सकते हो, ये सारे जो सोल्जर्स हैं ये अपनी माँ बाप की इकलौती औलाद है. ये इनको बहुत टेंशन होती है हमारी लाइफ अगर चली गई, हमारे माँ बाप को कौन संभालेगा, बूढ़े माँ बाप को. तो ये अंडरस्टैंड, जबकि हमारे जो जवान घबरू जवान है वो कुछ नहीं सोचते, दे आर सो पैशनेट अबाउट द कंट्री कि वो मतलब एक बंदा 10 से लड़ सकता है. दैट इज हाउ हमारे जो हमारे सोल्जर्स वैसे हैं. वही चीज उन वीडियोज में दिखाई जा रही है कि एक डंडे से उनको कैसे डरा के, जबकि वो पूरे गियर में है, यहाँ से हेलमेट पहना हुआ है, यहाँ से ये गियर पहना हुआ है, और ये बिना हेलमेट के बिना किसी, बस डंडों से उनको डरा के पीछे हटा रहे. ये दिखाने का मकसद ये था कि खसलत देखिए कि चाइना ने अगर सोचा भी अटैक करने का तो पहले तो उनके ही लोग डर के पीछे हटते हैं. ये दिखाने का मकसद था उन पुरानी वीडियो से. जी जी मैडम, ये बताइए, जो आपने वन चाइल्ड पॉलिसी की बात की है, आप क्या समझते हैं कि इंडिया के अंदर जो जवान है फौजी वो ज्यादा भाई हैं घर में, तो वो ज्यादा अच्छा लड़ सकते हैं? मतलब उनको फिक्र नहीं है अगर एक भाई की जान भी चली गई तो पीछे और भाई मौजूद होगा? नहीं, तो ज्यादा आप कह रहे हैं देश के लिए, जरा सुनिएगा सवाल. आप समझती हैं कि जो बड़ी फैमिली होती है दैट गिव्स यू स्ट्रेंथ एंड एनर्जी फॉर
फाइटिंग विद द जो एनिमी कंट्री के साथ. एब्सोल्युटली इट गिव्स देम मोर कॉन्फिडेंस है, क्योंकि यहाँ की माएं खुद अपने बेटों को बोलती है कि जा और हमेशा याद रखना कि जंग जीतनी जीतनी है, चाहे जान भी चली गई. When it comes to nationalism, इसी को हम इंडियन नेशनलिज्म कहते हैं. और सिर्फ हमारे जो जवान, जो हमारे भाई जो आर्मी में, सिर्फ वही नहीं, हम जैसे लोग भी देश के लिए मरने के लिए तैयार है. तो दिस इज द स्पिरिट वी हैव. अब कोई चाइनीज लड़की आपको आके बोलेगी क्या कि मैं देश के लिए लड़ने के लिए तैयार हूँ? तो ये एक डिफरेंस है, ये आपको समझनी चाहिए. आई फील के जो एक तरह का जो मुस्लिम ब्रदरहुड बना था ना, उसी तरह का एक हिंदुस्तानी ब्रदरहुड बनता जा रहा है पूरी दुनिया में, नॉट ओनली विद इन इंडिया, बिकॉज इंडियन सपोर्टर्स अब पूरी दुनिया में फैल चुके हैं. और उनके बीच में, हम सबके बीच में जो यूनिटी है, दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया, एंड इट इज नथिंग टू डू विद मोदी जी. हाँ, मोदी जी ने एक चीज किया कि उन्होंने सारे नेशनलिस्ट को एक साथ कनेक्ट किया एक थॉट के साथ, एंड मुझे लगता है वो हमारी स्ट्रेंथ है, उसमें हम किसी तरह से वीक तो नहीं हो गए.现在越来越多的消息出来了，这越来越多的消息让你真的觉得不可思议。在中印边界的时候，中国跟印度干起来了，干起来以后，300个中国军人，150个印度的军人，居然被打败了。打败了以后，哎，刚刚讲了，怎么看？这是一个示意图。我本来以为说那个狼牙棒是把一个木头，那个木头上面钉一些钉子，哎，那就是我们小时候打架用的狼牙棒，居然不是，它是铁，它是用一个铁条，等于说是我的这个铁条上面在焊这个。看这个所谓的铁刺，对，铁刺，用这个去跟人家打架，对，去用这个去打印度，还被打回来。没错，像最近一段时间来说，中国是摆出外交的这个战狼，那对这个国境的这个纷扰的话，我们要用战狼的越过我们的边境，我们发现到说你这个要改变现状，我们寸土不让，所以我们才被打回去。啊、他讲印度士兵态度坚定，但是中国就说啊，我们双方一直透过外交还有军事渠道就射边问题保持。啊，दोस्तों आज फिर पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर चमन के मुकाम पे जो है वो दोबारा अफगान फौजियों ने तालिबान ने पाकिस्तान पे हमला किया और जिससे एक जो शहरी है वो हलाक हुआ और 26-27 के जो लोग हैं वो जख्मी हुए. अब जाहिर बात है ISPR का एक ही गांव में प्रेस रिलीज जारी कर दी और बस ये कर दिया और तो वो कुछ कर नहीं सकते. हम ना तो वहां पे जो है वो अफगानियों को मार सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान पिछले 50 साल से अफगानिस्तान में इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर चुका है. अफगान आवाम पहले ही पाकिस्तान के बड़ी खिलाफ है. प्रॉब्लम किधर है? प्रॉब्लम सिर्फ एक है दोस्तों और उस प्रॉब्लम को हम हल नहीं करना चाहते. प्रॉब्लम यह है कि अगर पाकिस्तान की लीडरशिप चाहती है हमारे अफगानिस्तान के साथ मसले हल हो जाएं तो अपनी पार्लियामेंट को आके बता दें कि हो क्या रहा है. जब पाकिस्तान की जो एस्टैब्लिशमेंट है वो इंटरेस्टेड ही नहीं है कि मसला पार्लियामेंट में आए और पाकिस्तान के सियासतदान इंटरेस्टेड ही नहीं है इस चीज़ में कि जो पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर हो रहा है उसके बारे में एक सिविलियन फेस आए इस सारी पॉलिसी को, तो फिर ऐसे ही होगा जिस तरह ये सारा कुछ हो रहा है और कुछ तब्दील होने वाला नहीं है.